नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर में। और ये पीछे जिस जगह हम मौजूद हैं उस जगह का नाम है चंद्रलोक कुष्ठ रोग आवास। यहाँ जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग रहते हैं वहीं निवास करते हैं। ये जनपद गोरखपुर के मुख्य नगर क्षेत्र में है। और इस वक्त यहाँ एक कार्यक्रम किया गया है जिसमें हम देखें कि यहाँ के लोगों को, प्रभावित लोगों को खाने पीने का और कुछ वस्त्र भी दिया गया था जो राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल संस्था के अंतर्गत। और इस कार्यक्रम को लगाने का उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम से लाभ क्या होने वाला है, हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं जी? बहुत अच्छे हैं, बताएँ आप। सर, यहाँ जो कार्यक्रम लगा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हम अपने समय निकाल करके इस जो शोषित वंचित और ये मरीज़ हमारे यहाँ इस कुष्ठ आश्रम पड़े हैं, मैं खुद भी देख करके हैरान था कि कोई अकेले बैठा है, कुछ सोच रहा है, कोई लेटा है, कोई बैठा है। आज हम इसी माध्यम से अगर आधे घंटे के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान लाए हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, परोपकारी है, समाज हित में है, करुणा दया भाव का ये एक जीता जागता उदाहरण है। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा इससे आगे बढ़ करके इनको अवसाद से निकालने के लिए एक छोटी सी लघु क्षेत्र में ये कार्य ऐसा मिल जाए इन लोगों को जो इनके लिए है, जो ये कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कपड़े का थैला ही बनावें, कुछ भी करें, लेकिन इनका समाज से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर तो बहुत सारी ट्रस्ट चलती रहती हैं, सेवाएं होती रहती हैं, लेकिन इनको समाज से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनको इस चार दीवारी में बांध करके रखना नहीं, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि इनको कैसे हम कनेक्ट करें अपनी बाहरी दुनिया से। इस क्षेत्र में सर आपकी संस्था क्या कर रही है? ये संस्था हमारे में रेगुलर काम कर रही है इस पर। और अभी आज तो हमने वस्त्र और खाने का इंतजाम कराया है, वितरण किया है, लेकिन आगे मैंने देखा है कि बहुत सारे इनकी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। उनको तय जैसे भी हो जाएगा इनके शिक्षा की व्यवस्था। एक सवाल है सर, खाने पीने की सामग्री और वस्त्र वितरण कर देने से क्या यहाँ के प्रभावित लोगों का समस्या दूर हो जाएगा? जी नहीं, ये तो मात्र आधे घंटे उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए है। ये तो सब चल ही रहा है, क्या वो ऐसा था नहीं कि वो कपड़े नहीं पहने? मकसद सिर्फ ये है कि उनको हम बतावें कि हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में, आपके इसमें संकट में हम लोग समय समय पर हैं। लेकिन हमारा मकसद यही नहीं हो रहा है, हमारा मकसद ये है कि हम कैसे इनको कुछ करके और सीधे समाज से कनेक्ट करें, और कैसे इनसे हम कार्य लें, कैसे हम लाभान्वित हों, कैसे इनको हम लाभान्वित करें। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक सीमा है, अपनी अपनी कार्य करने की क्षमता है। ऊपर वाले ने जो दे दिया जिसको, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी में बेहतर क्या कर सकते हैं वही संदेश देना है आज सबसे। आपकी चैरिटेबल जो है राधिका देवी चैरिटेबल, ये तो काम कर रही है यहाँ के लोगों के लिए, जो भी आधे घंटे के आपके अनुसार जो इनको खुशी देना है दे रही है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि सरकार इस क्षेत्र में इन लोगों के लिए क्या कर रही है? सरकार तो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जैसे मैंने आज ही पता लगा कि ये सरकार की ही ज़मीन है जो दी है, जिसपे ये आश्रम बने हुए हैं। ज़रूर मुझे बहुत डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ न कुछ इसमें फंडिंग होती होगी, तभी ये 150-200 लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे भी बेहतर और कार्यक्रम करेगी। और जैसे मैंने कहा कि एक लघु उद्योग कार यहाँ लग जाए तो ये सारे 150-200 लोग उसी में बिजी हो जाएं, कोई कुछ में रहे, कोई कुछ करे, और उसका सीधे सीधे समाज से वो कनेक्ट होता रहे। सर का कहना है कि ऐसे उद्धार नहीं होगा, बल्कि इन लोगों के लिए कोई लघु उद्योग या किसी प्रकार का कार्य इनको दिया जाए ताकि ये खुद करें और उसका अपना जीविका उपार्जन बनाने में शोध बने। सर आपसे बात करेंगे हम। सर, एक तरफ जहाँ स्वच्छता का अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, वैसे में आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, और यहाँ की लोकलिटी को देख के आपको क्या लगता है, यहाँ स्वच्छता दिख रही है? नहीं, यहाँ पे एक तो ये दिनहीन है, और इनके जो है पलित जी को उपार्जन के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यहाँ आया तो देखा भी कुछ गंदगियाँ हैं, लेकिन मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो है आने वाले भविष्य में पहले तो इनको रोज़गार, इनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा और जो है इनकी चिकित्सीय शिक्षा को उपलब्ध कराने का कार्य करूँगा। अभी तो ये नाम मात्र का काम था कि भोजन अवस्थ देना, लेकिन हम लोग का मूल एजेंडा है कि जो छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा के लिए इनका पैसा नहीं है, पहले इनके शिक्षा की भी प्राइमरी स्टेज की व्यवस्था की जाए, जिससे इनका नींव मजबूत रहेगी तो आगे भविष्य के लिए आगे करेंगे। सर आपका नाम क्या हो? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं राधिका देवी मेमोरियल ट्रस्ट का प्रमुख ट्रस्टी हूँ। केवल नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से केवल मैं कुष्ठ रोगियों और जो दुबे पर दबे कुचले लोग हैं उनकी सेवा के लिए जो है
मैं महाराज जी के साथ था, मैं देखा कि महाराज जी जो हमेशा इन लोगों के लिए खड़ा रहते थे, तो मेरे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हुआ कि मैं गरीबों के लिए करूँ और आगे बढ़ें। तो सर हम बात करेंगे आपकी राधिका देवी चैरिटेबल जो है संस्था किस क्षेत्र में काम करती है स्पेशली इसी वर्क में, अभी, इसी क्षेत्र में जो है हमने पर्यावरण सफाई अभियान का बीआरडी मेडिकल कॉलेज से चालू किया हम लोगों ने डॉक्टर पीएन सिंह की संस्था में। उसके बाद हम लोगों ने प्याऊ भोजन, अब अगला टारगेट शिक्षा और चिकित्सा का है। चिकित्सा में भी हम लोग बीआरडी में इलाज करवाते हैं, लेकिन हम लोगों का एक मूल उद्देश्य है कि ऐसा हॉस्पिटल बनवाया जाए इस संस्था की तरफ से भी कि जो है इन बच्चों को तत्कालिक जो है व्यवस्थाएँ हों, और जो संस्था से जो डॉक्टर जुड़ रहे हैं इनका जगह जगह कैंप लगवा के यहाँ कुछ आश्रमों में, विकलांग में, अंध विद्यालयों में कैंप लगवाया जाए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम लोग सोच रहे हैं। सर बहुत सारी ट्रस्ट अपने इस गोरखपुर में काम करती है जी, क्या सभी ट्रस्ट को आगे आना चाहिए, इस तरह के कार्यों को करना चाहिए जिस तरह आपने किया? मैं तो यही कहूँगा कि और समाज के हर व्यक्ति से कहूँगा कि जो उत्सवों में तमाम पार्टियों में लोग जाते हैं उसमें से अपना अमूल समय निकाल के इन दीन दुखी और गरीबों के लिए भी कुछ समय निकालें और इनके लिए कार्य करें जी। सर अभी आप जो आपने कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन कौन से लोग, चूँकि आप इस चैरिटेबल के मेन ऑनर हैं, अभी इसमें तो डॉक्टर भी हैं, पुलिस विभाग के भी लोग हैं, प्राइवेट जॉब के भी लोग हैं, रेलवे से भी हैं, और जो है आप ने देखा है कि मुख्य अतिथि हमारे उप निदेशक और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वित्त नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब थे और डॉक्टर पीएन सिंह साहब हैं। हम और लोगों से बात कर लें सर जी, जी धन्यवाद आपने जी। हाँ सर एक चीज़ और बात करेंगे, आपकी संस्था कब से काम कर रही है? 2019 से काम कर रही है और इस संस्था के जो सीनियर सेवा समिति है उसकी महासचिव प्रियंका सिंह जी भी हैं इस समय मौजूद हैं, प्रियंका सिंह जी हैं और ये डॉक्टर साहब हैं और ये जो तमाम रेलवे के अधिकारीगण भी हैं आप इनसे भी ले सकते हैं जिनके साथ बात करें। मैडम आज का जो कार्यक्रम लगा था इसका मुख्य उद्देश्य राधिका देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो मतलब जो आज का कार्यक्रम किया गया इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीबों जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो ऐसे फुटपाथ पे या फिर जो गरीब हैं उनको नहीं मिल पा रहा है उनको भोजन उपलब्ध कराया जाए, जब क्योंकि जब तक भोजन नहीं रहेगा पर्याप्त तब तक भूख अपराध गरीबी नहीं होगा समाप्त। ऐसे में एक सवाल है, सो आई वॉन्ट टू से आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी डू दिस वर्क। ओके एक्चुअली हमारे दर्शक जो है बखूबी आपको जानना चाहेंगे, आपकी बातों को समझना चाहेंगे कि ऐसे में एक सवाल आता है मैडम कि अगर देखा जाए तो यहाँ जो बसे हैं यही सिर्फ गरीब नहीं है, नहीं नहीं इस गोरखपुर में बहुत सारे गरीब हैं, तो आपकी संस्था तो बहुत पीछे हट जाएगी इसलिए कि यहाँ बहुत गरीब हैं, कहाँ तक उद्धार कर पाएगी आपकी संस्था? जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो करने का कोशिश किया ही जाएगा, कोशिश किया जाएगा और जैसे कि हर एक ट्रस्ट के संस्था के ऑनर को ऐसा करना चाहिए कि ऐसे से संस्थाओं का ऐसे से जगह का चुनाव किया जाना चाहिए और यहाँ पर जिस तरह की इस कार्यक्रम को देखा गया उसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे, मैडम क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का राधिका देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे फंड दिए गए हैं और गरीबों के लिए भी दिए जा रहे हैं, तो ये एक हम लोग संस्था आज सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है और ये राधिका देवी के द्वारा करीब कोविड काल में भी कंटिन्यू जहाँ तक खाना नहीं पहुँचता था वहाँ पहुँचाने का काम राधिका देवी ट्रस्ट के द्वारा किया गया, मेमोरियल के द्वारा किया गया। और साथ ही आए दिन आप देखने को भी मिलेगा कि अभी जल प्याऊ का भी व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में भी आए दिन किया जाता है और वो और राधिका देवी ट्रस्ट का मेन मुद्दा ये है कि वहाँ पर वो पहुँचते हैं जहाँ कोई पहुंचने का कार्य नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुष्ठ रोगियों को भी कम से कम आज के दिन में उनको खुशी मिली, प्लस वस्त्र का भी उनको दिया गया, वस्त्र को भी दिया गया, खुशी भी दी गई। मैडम बात करेंगे हम आपसे, थोड़ा थोड़ा बात कर लें सबसे, कि जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, जिनसे मिलना नहीं कोई चाहता है, वहाँ आप आज आई हैं और यहाँ बैठी हैं, लोगों से मिली है, मिठाई कपड़े भी वितरण किए हैं,
अजीब लग रहा है या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा बांटकर। अब जहाँ कोई जरूरी नहीं कि जहाँ कोई नहीं जाना चाहे, भाई गरीब हैं वो भी अपने ही हैं। जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि यहाँ कुष्ठ लोग कुष्ठ रोगी रहते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए, उन्हें क्या कहना चाहिए? नहीं तो गलत है भाई, हम लोग नहीं सहयोग करेंगे, हम लोग नहीं देंगे, हम लोग ध्यान देंगे तो देगा कौन भाई? आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे कार्यों में इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। जब कोई इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मतभेद ही सबसे बड़ी बीमारी का जड़ होता है। तो हमें जो स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, उनको ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम इस कार्यक्रम? जी बिल्कुल, ये हर आदमी को, अगर जो पृथ्वी पे हर आदमी का मान सम्मान पाने का अधिकार है, और ये नहीं कि कुष्ठ रोगी हैं तो मैं उनसे ये घृणा करूं, मैं इनसे ये करूं, कि हम लोग ये जो चीज़ ले राधिका देवी और अदर कहीं जुड़े हैं, ये मानसिकता बिल्कुल निकाल दिए हैं कि मतलब ये लोग से भेदभाव करें, ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं। पूरे तन मन से एकदम लगे रहते हैं हर समय। अभी बीआरडी में इसका हुआ था, उसमें भी हम लोग लगे थे। मतलब हर आदमी मान सम्मान पाने का वो अधिकार है। मैम आपसे बात करेंगे अंत में कि यहाँ जब आप आई हैं तो यहाँ के लोगों के चेहरे पर क्या चीज़ देखने को आपको मिला? कि चूँकि आप लोग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं और इनके बीच बैठ रहे हैं, इनके इनसे मिल रहे हैं, तो इनको कैसा लगा? देखिए कहा जाता है ना, पूजा करो या ना करो, किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला दो वो किसी पूजा से कम नहीं, किसी बच्चे को हंसा दो वो किसी पूजा से कम नहीं। तो खाली एक धूप अगरबत्ती जला लेने से पूजा नहीं होता है। अगर घर पे ना भी पूजा किए पर हम इतने लोगों को खुश किए, उनके चेहरे पे स्माइल लाए, खाना कपड़ा पानी ये सब बांट के, जो इन लोगों को जो नेगलेक्ट करते हैं कुछ लोग, अछूत मानते हैं, छूते नहीं हैं, दूर भागते हैं, हम लोगों ने प्यार से उन्हें बुलाया, सम्मान दिया, ये सारे सामान दिए, उनके चेहरे पे स्माइल लाए, ये किसी पूजा से कम नहीं है। और पूजा खाली भगवान मूर्ति जो दिखता भी नहीं उसके पीछे हम भागते रहते हैं, अगर इनको खुश कर दिए तो अब अंदर हमारे अंदर खुशी मिली, उनको स्माइल, उनके चेहरे पर स्माइल आई तो मेरे भी ऐसा करके हमारे चेहरे पे भी। क्या नाम होगा मैडम? मेरा डॉक्टर रनीमा ओझा। मैडम एक डॉक्टर भी हैं, चूँकि बात भी हम कर लिए, नाम भी नहीं पूछे। मैम अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए सरकार से क्या व्यवस्था और हो जानी चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इन देखिए, किसी का हेल्प करना, किसी को दो टाइम, एक टाइम, चार टाइम खाना देना, ये हेल्प नहीं होता। चार टाइम खा के फिर आदमी भूखा रहे वो कोई हेल्प नहीं होता है। हेल्प वो होता है रोजगार की व्यवस्था, छोटी ही सही, उसको परमानेंट पैसे मिलते रहे, आय का साधन मिलता रहे। तो सरकार से यही आग्रह है कि वो इनकी रोजगार की व्यवस्था करे, छोटी ही सही, सबके लिए वो परमानेंट जो पैसे मिलते रहेंगे, इनके खाने की व्यवस्था होती रहेगी। किसी के उपकार और किसी के रहमो करम पे जीना इनको भी नहीं अच्छा लगता और किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम शिवम पांडे है। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सर यही कि मतलब इन लोगों को भी मतलब जो फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, और वेटर मिले, फैसिलिटी मिले सर, सफाई की और व्यवस्था अच्छी हो। क्या कहना चाहेंगे मैम? जी देखिए, आप सबसे पूछ रहे हैं कि सरकार के द्वारा, सरकार ऑलरेडी इनके खाते में जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑलरेडी 10 कदम आगे चल रही है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं उन पढ़े लिखे नौजवानों को और महिलाओं को बोलेंगे कि आप अपने लिए जीते हैं, कम से कम आप जिस क्षेत्र में अगर पढ़ी लिखी हैं तो वो जो उनके जो योजनाएँ आती हैं केंद्र सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश, आप पहुँचाने का उनका कार्य करिए, उनकी जरिया बनिए, कि ताकि जो उनको समझ में नहीं आता है उनके तक पहुंचने का कार्य हम लोग बने, और एक जड़ से जो गरीब जो हमारे भाई बहन वो जड़ से मुक्त हो भारत। जो क्या नाम होगा मैडम? मैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी में हूँ, रीता मिश्रा। हॉकी खिलाड़ी है। और खाली समय सैटरडे संडे या छुट्टी होता तो मैं उन्हीं के बीच में जाती हूँ। कि आप हॉकी खिलाड़ी हैं, चूँकि हॉकी पर हम बात करेंगे, मेजर ध्यानचंद जी तो हम लोग के बीच रहे नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी अगरबत्ती छोड़ के चली गई जो अभी भी हमें सुगंधित कर रही है। हम बात करेंगे आपसे मैडम, क्यों लोग और बच्चे जो हैं हॉकी के प्रति कम झुकाव रख रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, पहले था, बीच में जब हम बोलना चाहेंगे के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, अभी ये गलत होगा कि उनके लिए अभी नहीं कुछ किया जा रहा। आप देखिए कि क्या सरकार काम कर रही है हॉकी क्षेत्र, बहुत बढ़िया काम करिए। जिस समय हम लोग खेलते थे आज के समय में करोड़ों लड़के उधर नहीं जा रहे हैं, करोड़ों रुपया मिला, आज बच्चे और गार्जियन भी आज निकल रहे हैं बच्चों को लेके। आप देखिए ग्राउंड में भी, आप देखिए कि हम
आगे आपसे बात करेंगे मैडम, आपसे इसी पे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं निकल के आता है कि एक दिन चेहरे पे मुस्कान लाना, वस्त्र वितरण करना, मिष्ठान वितरण करना और उन्हें खुश रखना ही उनके जीवन में एक मूल धारा नहीं बन सकता है। अगर उन्हें जीवन भर खुश करना है तो यहाँ एक किसी लघु उद्योग या कुटीर की व्यवस्था की जाए, इनके रोज़गार की व्यवस्था की जाए ताकि ये जीवन भर अपना जीविका उपार्जन करें और हंसी खुशी रहें। इसी क्षेत्र में ये राधिका जो है देवी चैरिटेबल जो है काम कर रही है। यहाँ आज हम उपस्थित रहे, बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे लोगों के बीच ऐसे ऐसे हस्ती आए जो डॉक्टर पेशे हैं, हॉकी से हैं, पुलिस विभाग से हैं। इन्होंने आके यहाँ प्यार और स्नेह बांटा, इन लोगों से मिला, काफ़ी अच्छा लगा। हमें भी अपने अंदर की मानसिकता को बदलनी है और ऐसे ऐसे लोगों का सेवा करना है। तो ऐसे ऐसे बने रहें फास्टर प्लस न्यूज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।